एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नहीं लगने दिया शनिचरा बाजार, अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते ने की कार्रवाई। गांजा विक्रेता पुलिस के हत्थे चढ़ा, बाथरूम में गिरे युवक की मौत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महानगर पालिका के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते ने तगड़े पुलिस बंदोबस्त के साथ शनिचरा बाजार के अतिक्रमणकारियों को बैठने ही नहीं दिया। जो भी दुकानें सजी थी सभी को हटाने की कार्रवाई की गई। शनिवार के दिन सुबह देर रात तक एम्प्रेस मॉल के सामने से लेकर टाटा पारसी स्कूल के सामने तक, सड़क पर रमन साइंस के सामने वाले रोड पर परिसर की गलियों तक में सैकड़ों की संख्या में अतिक्रमणकारियों का कब्जा होता जाता है। दस्ते ने सुबह 11 बजे परिसर में धावा बोला और अतिक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू किया। कुछ ने विरोध किया लेकिन गणेशपेट पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त होने के चलते किसी की नहीं चली। दस्ते ने 10 ट्रक माल भी जब्त किया। दस्ते की कार्रवाई से भगदड़ मच गई और कई अतिक्रमणकारी अपना सामान समेटकर आसपास की गलियों और मैदान में जा डटे। दूसरी खबर, जोन 1 की टीम ने छापामार कार्रवाई कर गांजा विक्रेता को दबोच लिया। MIDC थाने में प्रकरण दर्ज कर उससे गांजा जब्त किया गया है। आरोपी गांजा विक्रेता रोशन उर्फ सोनू देवीदास गणवीर वाड़ी निवासी बताया गया है। जोन क्रमांक 1 की टीम को शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली थी कि श्री स्टील कंपनी के बाजू में खाली मैदान में रोशन बैठा हुआ है और वहीं पर अपने परिचित ग्राहकों को गांजे की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने परिसर को घेर लिया और छापामार कार्रवाई की। तलाशी के दौरान रोशन से 170 ग्राम गांजा मिला जिसकी कीमत 2000 रुपए बताई जा रही है। प्रकरण दर्ज कर रोशन को गिरफ्तार किया गया है, जांच जारी है। तीसरी खबर, अजनी थाना अंतर्गत जूना बाबुलखेड़ा निवासी दुर्गेश तुकाराम शनिवार को अचानक बाथरूम में गिर पड़े जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। मेडिकल अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसकी मृत्यु होने की पुष्टि की। प्रकरण को आकस्मिक मृत्यु के तौर पर दर्ज किया गया है, जांच जारी है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल का ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।